Hello dear, I'm Arvind with you. I'm going to talking about silent letter in English. आज मैं आप सभी के बीच बात करने वाला हूँ साइलेंट लेटर को लेकर, जो काफी इम्पोर्टेंट है सभी छात्रों के लिए. काफी स्टूडेंट्स किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्विकली इजी तरीका से और अच्छे तरीका से अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं. तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं. बस आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. चलिए देखिए, यहां जो मैं आपके लिए लाया हूं साइलेंट लेटर, तो चलिए मैं डिस्कस करने वाला. देखिए यहां एक नंबर जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है एम के बाद. क्या लिखा हुआ है? एम के बाद बी प्रायः साइलेंट होता है. एम के बाद बी प्रायः साइलेंट होता है. तो चलिए एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझ लेते हैं कैसे. तो देखिए एल ए एम बी क्या है? एल ए एम बी, इसको लैम्ब लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लैम. देखिए यहां लिखा हुआ है एम के बाद बी प्रायः साइलेंट होता है. तो क्या है, देखिए एम के बाद क्या है? एम के बाद क्या है? बी. तो बी साइलेंट होता है ना, तो यहां बी साइलेंट लैम्ब. लैम्ब यानी क्या हो जाएगा? मेमना हो जाता है. क्या हो जाता है? मेमना. चलिए आगे देख लेते हैं. दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है टॉम, क्या है? टॉम. इसको टॉम नहीं पढ़ेंगे, बी नहीं पढ़ेंगे. बी क्या है? बी साइलेंट है. तो क्या होगा? टॉम. टॉम का मतलब होता है मकबरा. क्या होता है? मकबरा, मकबरा. ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. डॉम, डॉम, डॉम नहीं, डॉम पढ़ेंगे, डी यू एम बी. देखिए मैंने बोला है एम के बाद, एम के बाद बी पढ़ाया साइलेंट होता है. तो क्या है? एम के बाद क्या है? बी है. बी के पीछे क्या? एम है. तो एम यहाँ क्या है? बी क्या है? साइलेंट है. तो डॉम, डॉम एन होता है गूंगा. क्या होता है? गूंगा. जो चौथा एग्जाम्पल है देख लेते हैं, क्या है? थॉम. इसको थॉम पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? थॉम. थॉम नहीं, बी हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ थॉम पढ़ेंगे. तो थॉम का क्या होता है? अंगूठा. अंगूठा जानते कि नहीं? सबके पास है अंगूठा. चलिए आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, शेयर करना जरूर ना भूले, इस देश के बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके. चलिए आगे देख लेते हैं. जो है टी के पहले बी साइलेंट होता है. क्या है दूसरा? टी के पहले बी साइलेंट होता है. तो चलिए एग्जाम्पल के तहत इसे भी हम लोग समझ लेते हैं. देखिए यहाँ क्या है, इसको हमने बोला टी के पहले, टी के पहले बी साइलेंट होता है. तो क्या है? टी के पहले क्या है? यहाँ बी है. टी के पहले क्या है? बी है. तो बी क्या है? साइलेंट है. इसको डेट नहीं पढ़ेंगे, डेट. क्या पढ़ेंगे? डेट. डेट डीई बी टी, इसको पढ़ेंगे डेट. तो डेट का हिंदी मीनिंग होता है रीन. क्या होता है? रीन. ठीक है, क्या होता है? रीन होता है. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं. डेटर क्या पढ़ेंगे इसको? डेटर. डेप्टर नहीं, डेटर पढ़ेंगे. डेटर का मतलब होता है कर्ज. क्या होता है? कर्जदार. ठीक है, कर्जदार. जो कर्ज, जो कर्जा लेता है, जो कर्जा कर्जा लेकर कर्जा कर्जा खोल भी कहते हैं हम लोग, तो कर्जदार. ठीक है, जो कर्ज में डूबा हो उसे हम कर्जदार कहते हैं, उसको डेटर कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है, आगे देख लेते हैं. डाउट क्या होता है? डाउट. डी ओ बी डी ओ यू बी टी, डाउट. ठीक है, इसमें बी नहीं पढ़ते हैं, डाउट पढ़ते हैं. डाउट क्या होता है? संदेह. क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग? संदेह. हमने आपको बताया ना कि डी के पहले बी साइलेंट होता है. यहाँ देखिए क्या है, डी के पहले क्या है? टी के पहले क्या है? यहाँ बी है. टी के पहले बी है कि नहीं? चलिए यहाँ समझ में आ गया होगा आई होप. अब चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं. चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है डाउटफुल. क्या लिखा हुआ है? डाउटफुल. मैंने कहा टी के पहले बी साइलेंट होता है. तो देखिए टी के पहले क्या है? यहाँ बी है. क्या है? बी. तो डाउटफुल यानी संदेहजनक. ठीक है, संदेहजनक. आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और शेयर जरूर करें कि पूरे देश के बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके. धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू. फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में.